बात दिल्ली की। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी आज शाम या कल सुबह तक दिल्ली पहुंचेगा, लेकिन चिंता की बात यह है कि राजधानी में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिस सैलाब ने कर दिए पत्थरों के टुकड़े, जिस जल तांडव ने फैलाई दहशत, जिस पानी ने पहाड़ों पर मचाई तबाही, अब वही पानी मैदानों की ओर बढ़ चला है। पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात के कारण यमुना नदी उफान पर है और उफनती यमुना दिल्ली में खतरे की दस्तक दे रही है। ये हरियाणा के हथनी कुंड बैराज की तस्वीर है। पानी की ये रफ्तार और ये शोर दिल्ली के लिए खतरे का संकेत है। हथनी कुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। तकरीबन 24 से 36 घंटे में ये पानी दिल्ली पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या हाल होगा, उसे समझने के लिए आप हरियाणा के करनाल और यूपी के शामली की तस्वीरें देखिए। दिल्ली पहुंचने से पहले हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी करनाल और शामली में असर दिखाने लगा है। करनाल खेत और सड़क सब पानी से ढक गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। पानी की चपेट में आए इलाकों में अब ट्यूब के सहारे आवाजाही हो रही है। डर है कि अगले कुछ घंटों में जब यमुना का पानी गांव में घुसने लगेगा तब क्या होगा। इसमें सारी जीरियां डूब चुकी हैं, जो सब्जियां थी वो सब खत्म हो चुकी हैं, मक्की भी खत्म हो चुकी है। ना कोई मुआवजा देती इसका सरकार, कहती है ये फ्लड एरिया, कई लाख रुपये का नुकसान है। ये एक गांवगढ़ टापू में ही है, इतने लाखों का नुकसान तो पता नहीं कितना हुआ। यूपी के शामली में यमुना का रौद्र रूप दिखने लगा है। यमुना से सटे 200 गांवों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट है। हथनी कुंड बैराज से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। शामली में यमुना का जलस्तर हर रोज 1 मीटर बढ़ रहा है। शामली में यमुना किनारे पीएसी के जवानों को नाव के साथ तैनात कर दिया गया है। यमुना के पास लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। कोई यहाँ डूबता है उसकी मदद करना, उसको निकालना, यही हमारा काम है। कम से कम ऐसा बढ़ गया, कोई 1.5 मीटर के करीब 1.5 मीटर बढ़ गया, कल बढ़ गया जी। हाँ, तो क्या आगे आने वाले समय और बढ़ने की उम्मीद है? अभी उसमें से कम से करीब 200 गाँव है जी। 200 गाँव जी जी। अच्छा, और गांव में भी बढ़ जाता है, जब भी कोई मौजन देती गांव में बांध टूट जाता है। करनाल और शामली में यमुना का जो रूप दिख रहा है वैसा ही दिल्ली में हो सकता है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज का पानी दिल्ली पहुंचने से पहले ही यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली में 29 जुलाई को यमुना का जलस्तर 203.37 मीटर था, जबकि खतरे का निशान 204.5 मीटर पर है, यानी अब 1 मीटर से भी कम का फासला रह गया है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी आज शाम या कल सुबह तक दिल्ली में दस्तक दे देगा। खतरे वाली बात यह है कि पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। पहाड़ों से उतरा पानी यमुना का जलस्तर बढ़ा रहा है। इसके चलते हथनी कुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। ये खतरा क्यों है इसे समझ लीजिए। हथनी कुंड बैराज से 352 क्यूसेक पानी आमतौर पर छोड़ा जाता है। कल छोड़ा गया 1.6 लाख क्यूसेक पानी, यानी करीब 450 गुना ज्यादा पानी दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि किसी भी हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तैयारियां बिल्कुल है, दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है। अगर फ्लड की सिचुएशन पैदा होती है पूरी तैयारी की हुई है। वो अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे खतरे के निशान के पास पहुंचेगा अलर्ट कर दिया जाएगा। ये अपने कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अभी यमुना नदी
खतरे के निशान से थोड़ा नीचे है और लगता है कि अगले 24 घंटे में खतरे के निशान तक पहुंचने के चांसेस हैं। और बारिश लगातार पीछे पहाड़ों में हो रही है, उसकी वजह से पानी बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ते ही प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। यमुना किनारे कई किलोमीटर के इलाके में खेती करके गुजर बसर करने वाले हजारों लोगों को अब यहां से सुरक्षित ठिकाने की ओर ले जाना होगा। कुछ ही मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर जमुना जी है और ये पानी अक्सर जमुना जी का आगे अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए बिल्कुल सोनिया विहार की जो सड़क है दूसरी तरफ वहां तक पहुंच जाता है और उसी के चलते जो लोग हैं उनको घर खाली करने पड़ते हैं। प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट भी की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन असल चिंता की वजह यमुना का बढ़ता जलस्तर है। अगले कुछ घंटों में दिल्ली में उफनती यमुना की तस्वीरें सामने आने लगेंगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी मदीहा खान। मदीहा का रुख कर लेते हैं। मदीहा, ये जो रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को दिखाई है वो हमें चेतावनी भी दे रही है, साथ ही हमें इस बात से भी आगाह कर रही है कि खतरा बड़ा हो सकता है। यमुना का जलस्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली में बाढ़ भी आ सकती है। बिल्कुल, खतरा बढ़ सकता है। और यहाँ पर आप को तस्वीरें हम सबसे पहले दिखा देते हैं कि किस तरह से यमुना नदी में जो पानी का जलस्तर, मतलब जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जो बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले नहीं थी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पे बारिशें ज़्यादा हो गई हैं, जिस वजह से हत्तीकुंड बैराज से जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ा गया दिल्ली की तरफ से। और अब तस्वीरें आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा जो बहाव है पानी का वो तेज़ है इस वक्त यमुना में, और जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं यमुना से सटे उसमें बाढ़ का खतरा बिल्कुल इस वक्त बना हुआ है। और अलर्ट भी जारी कर दिया जाएगा प्रशासन की, सरकार की तरफ से, अगर ये खतरे के निशान तक पहुंचता है। हालांकि जो खतरे का निशान है वो 205.33 के आसपास खतरे का जो निशान है वो होता है, लेकिन अभी 205.10 के आसपास जो यमुना का जलस्तर है वो चल रहा है और इस वक्त बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है जो हम देख रहे हैं। लेकिन जो निचले इलाके हैं वो लोग भी इस वक्त काफ़ी परेशान हैं, उनको खाली कराने की जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं हम देख रहे हैं। साथ ही साथ जो बाकी तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से वो भी की जा रही हैं। प्रिकॉशंस लेना इस वक्त बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में भी मौसम जो है वो बरसात का, बारिश का बना हुआ है। साथ साथ जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया उसके बाद 72 घंटे का वक्त होता है था कि जब दिल्ली की तरफ पानी तेज़ी से आ जाएगा, और यही देखा जा रहा है कि आज रात तक या फिर कल सुबह तक जो दिल्ली का जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए मदीहा, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे इस खबर पर। आगे बढ़ते हैं, मानसून आता है तो चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन इसी मानसून की वजह से जब नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है तो लोग बेघर हो जाते हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जहाँ नदियाँ उफान पर हैं, पानी चढ़ने से जमीन में कटान हो रहा है और लोग खुद अपने ही हाथों से अपना आशियाना तोड़ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से शारदा नदी में उफान की स्थिति है और इसके जो किनारे के इलाके हैं, जो गांव हैं, उनमें इस वक्त आफत आई हुई है। कटान लगातार जारी है और ऐसे में इस गांव के जो लोग हैं वो दहशत के साए में जी रहे हैं। कम से कम 570 गांव लगभग इसमें समा गए। हसात होता है कि ऐसे हम बैठे रहते हैं, हमारे कोनो सुनवाई नहीं है। ये दर्द, ये तकलीफ है शारदा नदी में आई बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की। दर्द क्या है, क्यों है, ये समझने के लिए पहले चंद सेकंड के इस वीडियो पर नजर डालिए। चंद पलों में जमींदोज हुआ ये एक मकान नहीं है, यहाँ ऐसे कई मकान जमींदोज हुए हैं। ठीक इसी तरह दीनानाथ का मकान भी शारदा नदी के किनारे था, यहीं इनकी 3 एकड़ जमीन भी थी जिसमें होने वाली उपज से पूरे परिवार का पेट भरता था। मगर शारदा नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते देखते मकान पानी में समा गया। घर के बारे में बात करते ही दीनानाथ अब भी फपक पड़ते हैं। आपका भी मकान था? मकान हमारा सर, हमारा तो होश हवास ही उड़ गया था, पूरी की पूरी मकान गिर गया है।
हमारे एक लड़का अलग रहते हैं शिव सागर, उनका और एक हमारा। अच्छा। और पूरी एक बाय एक छत भी नहीं तोड़ पाए, नहीं था तोड़ पाए। हमारे दो लड़के दो लड़कियां हैं और लड़कियां बहुत दुखी है हम। सिर्फ दीनानाथ ही नहीं, लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील के कई गांवों में जिंदगी बेपटरी हो गई है। मजरी अहिराना गांव में तो 60 से ज्यादा घर शारदा नदी में बह गए हैं। इसमें सर 52 आवास 35 आवास मिले थे जो लोगों के अब तक कट गए आज, उसमें लगभग 10 या 12 घर निजी लोग अपने पैसे से बनाए थे, वो भी घर अब समाहित होने वाले हैं। और झोपड़ी वाले लगभग जैसे जिनके टटिया मड़िया और कटरेन वटरेन केवल डाले थे वो भी 12-14 घर थे। जो उनको निघासन विधायक भी आए थे यहाँ तो उन्होंने ये कहा था कि 4 या 5 दिन के अंदर हम काम करा देंगे, ठोकर जरूर बंधेगा। लेकिन फिलहाल उच्च अधिकारी कोई नहीं आया, तहसील से बस केवल SDM साहब 1-2 बार आए, लेखपाल आते रहते हैं। हाल इस कदर बिगड़े हुए हैं कि लोग गांव छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। जो यहां रुके हुए हैं वो खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। खुले में खाना बना रहे और खुले में ही परिवार पाल रहे हैं। हमारे साथ मकान है, साथो नदी में है, हम यहां पर मैदाना में अपन गुजारा कर रहे हैं और ये चूल्हा डाल कर हम बरसात होता है बाकी ऐसे हम बैठे रहते हैं, हमारे कोनो सुनवाई नहीं है, हम लोग क्या करें। सरकारी आदमी आया नहीं, हाल चाल कोई नहीं आया। शारदा नदी में एक एक कर समाते घरों को देखकर कुछ ग्रामीण नुकसान कम करने के लिए घरों को अब खुद ही उजाड़ने में लगे हैं। मजरी अहिराना गांव में ऐसे इक्का दुक्का नहीं बल्कि कई लोग हैं जो खुद अपना मकान तोड़ रहे हैं। दादा क्यों तोड़ रहे हैं मकान? क्या मजबूरी है, हम लोग तोड़े ना तो नदी में जा ही रही है, हम लोग के साथ इतना मजबूरी है कि ना हम लोग के कोई जगह है ना रहने का, मजबूर है, इसमें चली जाएगी तो क्या मिलेगा। अच्छा, और भी लोगों ने तोड़े हैं गांव के मकान? पूरी कम से कम 60 घर टूटा है। अच्छा, तो कहाँ जाएंगे यहाँ ये तोड़ कर, कहाँ ले जाएंगे? अब ले जाएंगे क्या, कहीं रोड रोड पर गुजारा करेंगे। वही की बदहाली की तस्वीर है, देख सकते हैं पीछे तक जितने मकान हैं वो एक एक करके गिराए गए हैं। देख सकते हैं ये मलबा इस तरह से तोड़ के रखा गया है कि भविष्य में जब कोई स्थितियाँ सुधरेंगी तब इसको दोबारा बनाएंगे। एक के बाद एक कई सारे मकान यहाँ ऐसे हैं जिनको मलबे में तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मकान आज नहीं तो कल शारदा नदी के कटान में बह जाएंगे और फिर हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। ABP News आपको रखे आगे।